बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हमीद खान, आपका टीचर। आज हमारा जो क्लास है वो है मैथ्स का। ये छोटे बच्चों के लिए है, जो 2, 3, 4, 5 तक के जो बच्चे हैं उसके लिए है। प्लस माइनस यानी सिंपल प्लस माइनस है। ये हमारे पास वॉल क्लॉक है 3, 1, 2, 3। तो इस पर हम अब आपको समझाएँगे सम यानी एड या प्लस का और माइनस का। तो पहले हम इस पे आपको समझाते हैं प्लस का। हम इस पे क्वेश्चन निकालते हैं। तो आप ये देखिए, ये वॉल क्लॉक में 1 से 12 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्लॉक तक है। तो ये आप देखिए कि अब हम इसमें ये जो 12 है, हम ये लेते हैं यहाँ पे, ये 12, और इसके साथ हम प्लस करते हैं 0। तो ये प्लस इसके साथ हो गया 0, तो ये आ जाएगा 12, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप देखिए, इस 11 के साथ ये प्लस करते हैं 1 को, तो ये आ जाएगा 12। अब तीसरे पार्ट में आप देखें, तीसरे स्टेप में, तो ये 10 है, ये 2 के साथ प्लस होगा तो ये आ जाएगा 12। अब 9 है, 9 जो है वो 3 के साथ प्लस करें तो 9 के साथ 3 प्लस करें तो 9, 10, 11, 12, तो ये भी आ जाएगा 12। अब 8 है और 4 है, तो 8 और 4 को प्लस करो तो 8 के साथ ये 4 प्लस करें तो 9, 10, 11, 12, तो ये भी आ जाएगा 12। अब ये 7 है, तो 7 के साथ आपने प्लस करना है 5 को, तो 7 के साथ आप प्लस करें 5 को, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये भी आ जाएगा 12। अब ये बाकी जो बचा है 6, तो इसके साथ आप 6 को प्लस करें तो ये आ जाएगा 12। तो ये सारे आ जाएंगे 12, 12 के साथ 0 तो 12, 11 के साथ 1, 11 तो 1 तो 12, 10 के साथ 2 तो 12, 9 के साथ 3 और 8 के साथ 4 और 7 के साथ 5 और 6 के साथ 6, तो ये सब आ जाएगा आपके पास 12। तो ये वॉल क्लॉक वाला हो गया, प्लस वाला ये हो गया 12 आंसर है सबका। इस तरह आप इसको प्लस करें और ये आ जाएगा 12। अब इस दूसरे पे आ जाएं, तो इसमें हमने करना है क्या कि ये जो 12 है यहाँ से हमने शुरू करना है, तो ये 12 जो है इसके साथ ये प्लस होगा 1, तो 12 के साथ 1 प्लस होगा तो 12 और 1 तो ये आ जाएगा 13। फिर 11 है और 11 के साथ होगा इस तरह ये 2, तो ये 11 और ये 2, तो 11, 12, 13, तो ये आ जाएगा 13। फिर है 10, तो 10 के साथ 3 प्लस करें, 10 प्लस 3, तो 10 आपके पास है और ये 3 उसके साथ प्लस करें तो 10, 11, 12, 13, तो ये भी आ जाएगा 13। फिर है 10 हो गया 3 के साथ, तो अब 9 जो है वो 4, तो 9 प्लस 4, तो ये भी आ जाएगा 13। 9 के साथ हमने 4 को प्लस करना है 9, तो 10, 11, 12, 13। अब आ जाएगा 8 के साथ आपने प्लस करना है 5 को, तो ये 8 हो गया, ये हो गया 5, तो 8 के साथ ये 5 प्लस करें तो 8, तो 9, 10, 11, 12, 13, तो ये भी आ जाएगा 13। फिर 7 और 6 दोनों को प्लस करें तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 13। तो इससे आ गया है 12 और इस वाला से आ गया है 13। ये दोनों जो थे ये प्लस यानी एड या सम या जमा करना, ये इसके क्वेश्चन थे। अब ये जो हमारे पास है जो थर्ड जो वॉल क्लॉक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हमें मालूम करना है माइनस को, माइनस के जरिए हमने करना है। तो ये अब यहाँ पे लेते हैं 12, तो ये सीधा सीधा हम करते हैं, तो 12 से हमने माइनस करना है 6, तो यहाँ पे आप देखिए 12 और माइनस 6, तो 12 से हमने ये जो 6 है ये कम करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। अब देखें तो 11 है, तो 11 से हमने माइनस करना है
ये 11 से हमने माइनस करना है 5 को, तो 11 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 6। अब 10 है तो 10 से हमने माइनस करना है, 10 से माइनस करना है 4, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये 10 है माइनस 4 है तो ये भी आ जाएगा 6। अब 9 की बारी है तो 9 से हमने माइनस करना है सामने सामने, 9 से हमने माइनस करना है 3 को, तो ये 9 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 6। अब 8 है तो 8 से हमने माइनस करना है 2 को, इस तरह ये घूमेगा इन डिवाइड, तो 8 से हमने माइनस करना है 2 को, तो ये भी आ जाएगा 6। अब 7 की बारी है तो 7 की बारी है ये 1 के साथ, तो 7 से हमने माइनस करना है 1, तो ये भी आ जाएगा 6। तो इसके इसको भी आप देख लें, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है और ये माइनस का है, यानी प्लस उसके साथ हम ऐड करते हैं, मतलब 4 के साथ हमने 1 को प्लस करना है, तो ये 4 है ये 1 है, तो ये 4 के साथ अब 1 को प्लस करें तो ये 5 आ जाएगा। अब माइनस का है, मतलब 5 से हमने 2 को माइनस करना है तो 5, और ये 2 को आप माइनस करें तो ये बाकी 3 रह जाएगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इस पर प्रैक्टिस करें, गेम से गेम और क्वेश्चन से क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये बच्चों के लिए है, 2, 3, 4 या 5 के जो बच्चे हैं उसके लिए है, वो पेपर पे वगैरह बना के ना उसी तरह कर ले, इसी तरह वो डू घुमा के, तो ये आपके साथ वो प्लस और माइनस भी आपको समझ आएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आया होगा। आप हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरे जो बच्चे बच्चियाँ हैं अगर स्कूल नहीं जाते, घरों में हैं, तो उसको टाइम मिले और उस पर प्रैक्टिस करें तो उसको भी समझ आए। वस्सलाम, थैंक यू।